बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं हम 13 पर वन एक्सरसाइज का। इसमें क्या है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो देखें ये है जी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ये है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर वैक्टर वैल्यूड फंक्शंस। ओके, तो इसको सोल्यूशन जब करते हैं ना, तो फिर हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेट करना है बोथ साइड पे ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो यहाँ क्या करा हमने, इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसके भी इंटीग्रेशन ले लेंगे। ओके, हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखें ये जो है कौन सा है इंटीग्रल लिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी इंटीग्रेशन हो रही है, इंटीग्रल है या फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल है या फिर डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लोअर अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आर टी। ठीक है, इसके साथ कैंसल आउट। बाकी ये देखें, ये डी टी भी इसके साथ गया, तो बाकी ये आता है 180 टी। तो जब हम इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं ना, तब फिर जब डेरिवेटिव होता है ना, उसमें हम टी से, टी की वैल्यू क्या थी, ये किसके साथ क्या है, वन है, उसमें क्या करते थे, प्लस वन ऐड करते थे, माइनस करते थे, और ये इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं और वही चीज़ बट्टे के नीचे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 180 टी 1 प्लस 1 कर दिया, वही चीज़ नीचे भी लिख दी। अब यहाँ पर भी ये 1 है, इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे बट्टे के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही किया, ये 2 था 3 बन गया, 3 है, नीचे भी लिखेंगे बट्टे के। फिर उसके बाद इसके साथ सी आएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये 2 है, इसके साथ मल्टी डिवाइड होके 90 हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये डिवाइड नहीं होता तो ये वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद जो है ये आर ऑफ टी की ये एक हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। उसके बाद देखते हैं जो कंडीशन दी हुई है वो है आर ज़ीरो इज इक्वल टू 100 जे। ठीक है, इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दी है आपने। उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, आर ज़ीरो कर दें, तो टी की जगह 0 आप पुट करोगे। ठीक है, ठीक है, जगह 0 पुट करने के बाद ये देखें, ये इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, तो ये 0 सारे, तो ये आर जो है ये आर ज़ीरो सी के बराबर हो जाएगा। तो ये जी इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, 2 इसको कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 100 जे। उसके बाद देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें अब हमने ये वैल्यू जो आई है वो पुट करनी है। अब ये देखें यहाँ पर जो क्या आई है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 100 जे, तो यहाँ पर जे की जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ हमने प्लस 100 जे ऐड कर दिए, तो सवाल जो है वो एंड हो गया।